वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो गाइस, चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले न्यू वीडियो से सबसे पहले वॉच करने के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। एंड गाइस, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। सो गाइस, आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ लैक्मे 925 की ये प्राइमर मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन। ये किस स्किन टाइप के लिए है और किस किस कलर में अवेलेबल है और कितने स्किन टोन के लिए है, ये वीडियो में आगे बताऊंगी। चलिए फुल वीडियो वॉच कीजिए, स्किप मत कीजिएगा वरना समझ नहीं आएगा। हे गाइस, तो मैंने आज लिया है लैक्मे 925 प्राइमर मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन। इसका शेड मैंने लिया है नेचुरल न्यूड N200। ये मैंने अपने स्किन के अकॉर्डिंग लिया है। इसमें 12 शेड अवेलेबल है। एंड गाइस, आपको जो आपके स्किन पे एग्जैक्टली सूट करे वही ले। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट होता है और इसकी प्राइस है 1475 रुपीज। एंड सेल्फ लाइफ भी इसकी लॉन्ग लास्टिंग है गाइज। एंड ये जो कलर है, इसमें 12 शेड अवेलेबल है। ये ऑल स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है। सो आपको जो आपके स्किन पे सूट करे एग्जैक्टली आप वो परचेस कर लेंगे। सो गाइस, तो ये इस तरह का कलर में है, आपको मैं यहाँ पे भी दिखा दे रही हूँ और बाकी मैं आपको थोड़ा डेमो आगे दिखा रही हूँ। तो गाइस, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये प्राइमर मैट है। इसमें अप्लाई करने के बाद आपको प्राइमर की एप्लीकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एक स्पैचुला के थ्रू ये निकलता है फाउंडेशन। एंड गाइस, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका कलर दिखा रही हूँ। ये मैंने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लिया है। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग इसका टेक्स्चर चुन सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना सा एप्लीकेशन मेरे यहाँ पे कितने एरिया को ये कवर करता है। सी ऐसा लग रहा है यहाँ पे कितना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इजी यहाँ पे अप्लाई हो गया और बहुत जल्दी ब्लेंड हो गया बिना किसी ब्लेंडर के। ना यहाँ पे पैचीनेस मुझे मिल रही है, ना यहाँ पे स्किन पे कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ अप्लाई किया हुआ। और यहाँ पे स्किन देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कितना फेयर हो गया। एंड गाइस, अब मैं इसको अप्लाई करूंगी, आपको फेस पे दिखाऊंगी कि कितना आपको चाहिए होगा। बस इस स्पैचुला को ध्यान से निकालिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो थोड़ा सा इस तरह से इसको पोर कर लीजिएगा, यहाँ पे इस तरह से कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपने अप्लाई करना है यहाँ पे। एंड मैं बस इतना ही काफ़ी है गाइस, इतना ही काफ़ी होगा आपको अप्लाई करने के लिए। इस तरह से पहले स्प्रेड कर लीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा ब्यूटी ब्लेंडर का। क्योंकि क्या होगा ना कि उसमें वो ज़्यादा चला जाता है और आपको ये बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए ये मेरे एडवाइस है। एंड गाइस, इस तरह से आप फॉलो कीजिएगा तो आपको देखिएगा आपका बहुत ज़्यादा ये सेफ भी होगा और ईजी अप्लाई हो भी जाएगा। इस तरह से कर लेने के बाद आपने ब्लेंडर का यूज़ करना है। नेचुरल न्यूड ये एक सैंड कलर का आएगा। एंड गाइस, इस तरह से अप्लाई कीजिएगा। अपने ईयर वगैरह को जरूर कवर कीजिएगा एंड नेक को भी कवर कीजिएगा वरना अनइवन टोन लगेगा। इससे पहले मैं फाउंडेशन को फेस दिखाकर नहीं बनाती थी तो मैंने थोड़ा दिक्कत होता था। बस मैं यहाँ पे कोई मेकअप लुक नहीं करूंगी, ना ही मैं कुछ करना है। बस मुझे फाउंडेशन लुक आपको दिखाना है कि ये फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आपको क्या अप्लाई करना होगा और क्या नहीं करना होगा, ये मैं बताऊंगी। ठीक है, मेरे फेस के अकॉर्डिंग जी नहीं, ये वाइट नहीं है। ये क्या होगा कि थोड़ी देर बाद ये ऑक्सीडाइज होगा। यू नो, आपके स्किन पे जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। तो जब तक हम लोग आईज का मेकअप करते हैं और ये करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो गाइस, तो इस तरह से अप्लाई हो गया। मैं थोड़ा सा टचअप करूंगी इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से, और थोड़ा सा इसको टच करना इसलिए कि ताकि ये अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग हो जाए मेकअप को। इस तरह से डैप डैप कीजिएगा तो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। ये मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ स्टे कुर्की की, इसका भी मैंने रिव्यू कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा इस तरह से। एंड
ये एप्लीकेशन हो गया। अब मैं यहाँ पे फेस कंट्रोल करूँ या हाईलाइट करूँ, इस तरह से आपको करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। हाइलाइटर में कौन सा यूज़ कर रही हूँ अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं इसका कोड डाल दूंगी। ये मैंने जस्ट 300 में परचेज किया है मीशो से, एंड कोड मैं अभी नहीं डाल रही हूँ कि आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं बस वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए अप्लाई कर दिया डाल दिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिपस्टिक टच करूँगी। जिस तरह का मैंने जैकेट पहना हुआ है उस तरह का मैंने ये अप्लाई कर लिया, और कितना इजी, मैंने इसमें बहुत कुछ नहीं लगाया हुआ है मेकअप, एंड मैंने आईज को कुछ किया, बस मैं काजल लगाई हुई और आईब्रो किया, एंड सी द लुक। एंड गाइस इस तरह से HD मेकअप आपको ये मिल जाएगा, और इसको अप्लाई करने के बाद आपको कोई प्राइमर नहीं यूज़ करना है। और गाइस बस मॉइस्चराइज ज़रूर स्किन को कर लीजिएगा अच्छे से, मॉइस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करने से। जो आप लोग कभी बोलते हो ना कि की की सा लगता है मेकअप, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एंड गाइस ये मैंने लिपस्टिक कौन सा अप्लाई किया है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वीडियो वॉच करके देख लीजिएगा। ये मैंने फेसेस कनाडा का कॉम्फी मैट लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई किया हुआ है, मैं फुल वीडियो मेकअप वाला ट्यूटोरियल बना रखा है, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। एंड गाइस इस तरह से आपको दिख रहे हैं कि अभी बैलेंस में हो गया ये HD मेकअप। एंड ये था ये लैक्मे 925 की प्राइमर मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन। जी हाँ ये बिल्कुल कवर फाउंडेशन है। इसको लगाने के बाद मुझे कोई कॉन्सीलर लगाने, ऐसे माशाल्लाह मेरी स्किन पे कोई दाग वगैरह वो नहीं है, ना ही पिंपल्स है, तो मुझे कवर करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सीलर की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा कंसीलर आप अप्लाई कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको यूज़ करने के बाद आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी कुछ। सो गाइस फर्स्ट आपको मॉइस्चराइजर कर लेना है, मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद ये फाउंडेशन अप्लाई करके बाद थोड़ा सा लूज पाउडर जरूर अप्लाई कीजिएगा, और परफेक्ट HD मेकअप आपको मिल जाएगा। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।